ISKCON के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यगण और यहाँ उपस्थित देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, हंगेरी समेत कई देशों से लोग पहुँचे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत अभिवादन। साथियों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा। आज का दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सुबह ही मैंने गांधी शांति पुरस्कारों के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अभी मुझे दिव्यतम ग्रंथ गीता के भव्यतम रूप के राष्ट्र को समर्पित करने का अवसर मिल रहा है। यह अवसर मेरे लिए और भी खास है क्योंकि मैं उस जगह खड़ा हूं जहां करीब दो दशक पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस मंदिर परिषद का शिलान्यास किया। साथियों, दुनिया की ये भव्यतम श्रीमद् भगवद गीता 3 मीटर लंबी और 800 किलो की है। ये सिर्फ अपने आकार की वजह से ही खास नहीं है, वास्तव में सदियों तक दुनिया को दिए गए महान भारतीय ज्ञान का प्रतीक बनकर के, एक प्रतीक चिन्ह बनकर के रहने वाली है। इस गीता को बनाने में ISKCON से जुड़े आप सभी ने अपना पूरा सामर्थ्य और रचनात्मकता लगाई है। ये गीता भगवान श्री कृष्ण और स्वामी प्रभुपाद के श्रद्धालुओं की भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। इस सराहनीय प्रयास के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इससे भारत के पुरातन और दिव्य ज्ञान की परंपरा की तरफ विश्व की रुचि और अधिक बढ़ेगी। साथियों, भगवद गीता को सामान्य से सामान्य मानवी तक पहुंचाने के अनेक प्रयास अब तक हो चुके हैं। सबसे छोटी गीता से लेकर सबसे बड़ी गीता तक इस दिव्य ज्ञान को सरल और सुलभ कराने के लिए निरंतर कोशिश हुई है। देश विदेश की अनेक भाषाओं में भगवद गीता का अनुवाद हो चुका है। साथियों, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने तो जेल में रह करके गीता रहस्य लिखा है। इसमें लोकमान्य तिलक ने भगवान श्री की सरल व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि गीता के संदेश का प्रभाव केवल दार्शनिक या विद्वानों की चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि आचार विचार के क्षेत्र में भी वो सदैव जीता जागता प्रतीत होता है। लोकमान्य तिलक ने मराठी में गीता के ज्ञान को सामान्य मानवी तक पहुंचाया और गुजराती में भी इसका अनुवाद कराया। इसी गुजराती अनुवाद को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जेल में पढ़ा और इससे गांधी जी को भगवद गीता अकॉर्डिंग टू गांधी को लिखने में बहुत अधिक मदद मिली। इस रचना के माध्यम से गांधी जी ने गीता का एक और पक्ष दुनिया के सामने रखा। गांधी जी की ये पुस्तक मैंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान बराक ओबामा जी को भी उपहार के रूप में दी थी। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता
भारत का दुनिया को सबसे प्रेरक उपहार है। गीता पूरे विश्व की धरोहर है। गीता हजारों साल से प्रासंगिक है। विश्व के ने लेकर सामान्य मानवी तक सभी को गीता ने लोक हित में कर्म करने का मार्ग दिखाया है। भारत के करीब करीब हर घर में तो किसी न किसी रूप में भगवद गीता विराजमान है ही। दुनिया भर की अनेक महान विभूतियां भी इसकी दिव्यता से अछूती नहीं रह पाई। ज्ञान से लेकर विज्ञान तक हर क्षेत्र के अनेक लोगों की प्रेरणा कुरुक्षेत्र के मैदान पर कही गई ये अमर वाणी है। साथियों, मशहूर जर्मन फिलोसोफर शोपेनहावर ने लिखा था, गीता और उपनिषद के अध्ययन से अधिक हितकर संपूर्ण विश्व में कोई अध्ययन नहीं है। जिसने मेरे जीवन को शांति से परिचित कराया और मेरी मृत्यु को भी अनंत शांति का भरोसा दिया। ये बातें उन्होंने उस दौर में कही जब हमारा देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को भी कुचलने के अनेक प्रयास किए जा रहे थे। भारतीय दर्शन को नीचा दिखाने के भरपूर प्रयास चल रहे थे। साथियों, दुनिया को भारत के इस पुरातन ज्ञान से, पवित्रता से परिचित कराने का एक बड़ा प्रयास मंच पर विराजमान विभूतियों ने किया है और मेरे सामने मौजूद अनेक विद्वानों और भक्तों ने भी किया है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने तो खुद को भगवद गीता के लिए समर्पित कर दिया था। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। हमेशा तैयार है। एक बार फिर इस्कॉन से जुड़े हर भक्त को, हर भारतवासी को, मानवता में विश्वास रखने वाले दुनिया के हर व्यक्ति को इस दिव्य भगवद गीता के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इस पवित्र अवसर का भागीदार बनाया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।